Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता है जो कि हमारा WWE का Extreme Rules 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट है guys, वो अभी फिलहाल guys 2 ही हफ्ते दूर है और हमको 2 हफ्ते में दिखने वाला है WWE का Extreme Rules का 22 का प्रीमियम लाइव इवेंट। और guys जो कि हमारी WWE है guys, वो बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस प्लान कर रही है ये प्रीमियम लाइव इवेंट के, क्योंकि सबको पता है कि पहले से ही ये लाइव इवेंट में हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज रेसल नहीं करने वाले, इसलिए गाइस लोग प्रीमियम लाइव इवेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन गाइस ट्रिपल एच आपको पता है जो कि नए बॉस बन गए हैं WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव, उनके पास बहुत ही बड़े पैसे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको 3 बड़े सरप्राइजेस बोलने वाला हूँ जो कि हमको प्रीमियम लाइव में देख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा, लोग एक्सपीरियंस का प्रीमियम देखने वाले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के। सो गाइस नंबर 3 पे हम लोग ने रखा है हमारे सेट फ्रीकिंग रॉलिंस का विन ओवर मैट रिडल। गाइस आपको तो पता ही होगा कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में गाइस WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमको एक्सट्रीम रूल्स में सेट रॉलिंस मैट रिडल को फेस करते हुए दिखने वाले हैं इन अ फाइट पिट मैच। गाइस ये मैच मुझे भी इतना मैंने लाइक एक ही बार देखा था गाइस, वो मैंने यूट्यूब पे गाइस 1 मिनट का वीडियो देखा था, वो भी गाइस 2x2 स्पीड पे, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था NXT के ब्रांड पे। गाइस अभी ट्रिपल एच जो कि अभी के टाइम NXT के हेड थे, उन्होंने ये मैच लेके आ गए हैं सीधा WWE के मेन रोस्टर में और अभी हमको फाइट पिट मैच होते हुए देख रहे हैं। गाइस शायद से मुझे लगता है कि एक रिंग रहेगा और उसके पास में स्टील केजेस रहेंगे, अंडर गाइस वेपन्स रहेंगे और आई गेस ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी रहेगा। गाइस ऐसा टाइप का एक रिंग होता है जिसको फाइट पिट मैच बोला जाता है और जो रिडल है गाइस वो पहले से ही ये मैच में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो पहले से ही एक मैच रेसल भी कर चुके हैं ऐसे सिचुएशन में, यानी ऐसे टाइप के गाइस स्टिपुलेशन में, और रिडल का ये मैच जीत भी गए। इसलिए मुझे लगता है कि रिडल के पास तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है मैच में लेके, लेकिन क्या मुझे अभी भी ये बात हजम नहीं होगी कि WWE गाइस हमारे सेट रॉलिंस को एक लॉस देगी। गाइस आप भी समझो गाइस सेट रॉलिंस एक कंपनी के सबसे बड़े स्टार है। लेकिन अगर जरा मुझे पूछते हैं कि अगर मैं ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन के बाद किसको कंपनी में सबसे बड़ा स्टार देखता हूँ, गाइस मैं डेफिनेटली नंबर 1 पर सेट रॉलिंस करूंगा। गाइस सेट रॉलिंस ने इतना अचीव किया और जो उनकी नेम वैल्यू का तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए गाइस मुझे नहीं लगता कि WWE गाइस कोई भी हालत में सेट रॉलिंस का मैच हरा देते हुए देख सकते हैं। और जो कि हमारे ट्रिपल एच है गाइस उनको भी गाइस सेट रॉलिंस एक बहुत ही अच्छा स्टार लगते हैं, ऑब्वियसली सेट अच्छा स्टार लेकिन ट्रिपल एच को भी बिलीव है कि सेट रॉलिंस को इतना नहीं हराना चाहिए, इसलिए पॉसिबली गाइस हमको WWE के एक्सट्रीम रूल्स 22 के प्रीमियम लाइव इवेंट में जो कि हमारे सेट फ्रीकिंग रॉलिंस है गाइस हमारे मैट रिडल को हराते हुए दिखने वाले और वो हमको सक्सेसफुली ये फाइट पिट मैच जीतते हुए दिखने वाले हैं। So guys now फिर गाइस नंबर 2 पे हम लोगों ने रखा है हमारे द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर का विन ओवर कैरियन क्रॉस। गाइस अगर सर आपने स्मैकडाउन का रीसेंट एपिसोड देखा होगा आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो WWE गाइस उन्होंने ऑफिशियली अ स्ट्रैप मैच अनाउंस कर दिया है बिटवीन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस। और गाइस ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि गाइस आपको पता है इनकी फ्यूड गाइस बहुत हफ्तों से चालू हो रही है, हमको फाइनली गाइस ये लोग एक्सट्रीम रूल्स में फेस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद से रिपोर्ट्स ऐसे भी है कि गाइस शायद से हमको ये मैच शो का मेन इवेंट भी होते हुए देख सकता है, इसलिए गाइस ये बहुत ही बड़ा मैच तभी भी बन जाता है। लेकिन गाइस बात ऐसी है कि किसको WWE मैच में जीता है, क्योंकि गाइस बहुत ऑप्शंस है, वो ड्रू मैकइंटायर को भी जिता सकते हैं, वो कैरियन क्रॉस को भी जिता सकते हैं, ये किसको प्रेफर करेगी। गाइस मुझे लगता है कि अगर हम लोग मोस्ट प्रोटेक्टेड स्टार्स देखते हैं कंपनी में तो गाइस नंबर 1 पे हमारे रोमन रेंज आता है और नंबर 2 पे गाइस मुझे लगता है वो बंदा है ड्रू मैकइंटायर। गाइस WWE हमेशा ड्रू मैकइंटायर को हराने के पहले बहुत सोचते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ड्रू मैकइंटायर कितना वैल्यूएबल सुपरस्टार है। गाइस मुझे लास्ट टाइम भी याद नहीं था ड्रू मैकइंटायर को कब पिन किया था, गाइस रोमन रेंज ने क्लैश एट द कैसल में एक बार पिन किया, वो हम लोग मानते हैं, उसके पहले तो मुझे याद भी नहीं गाइस ड्रू मैकइंटायर लास्ट टाइम कब पिनफॉल के द्वारा हारे थे, इसलिए गाइस मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली प्रूव करता है कि हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर कितने बड़े सुपर
सस्ता है। इधर कैसे तो कैरियन क्रॉस है गाइस, मैं मानता हूं कि स्ट्रिपर इसको उनको बहुत ज्यादा भरोसा लेंगे गाइस, बात है कि बंडा अभी कंपनी में आया और क्या वो सीधा टॉप स्टार्स को चैलेंज कर रहा है रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर। गाइस कैरियन क्रॉस को थोड़ा आराम से उनकी गाड़ी लेके जानी चाहिए और मुझे नहीं लगता बहुत ही जल्दी हो जाएगी कि गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकइंटायर के ऊपर कैरियन क्रॉस को पिक करके कैरियन क्रॉस को विन देती है। जैसे मुझे लग रहा है गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ड्रू मैकइंटायर के ऊपर ही उनका प्रेफरेंस रखना चाहिए और गाइस हमको जो हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर है गाइस वही हमको हमारे कैरियन क्रॉस को हराते हुए दिखने वाले और वो हमको जीतते हुए दिखने वाले ये स्ट्रैप मैच। फिर गाइस नंबर वन पे हम लोग ने शायद से गाइस एक पॉसिबल मैच रखा है जो कि हमको एक्सट्रीम रूल्स के 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में होते हुए देख सकता है जो कि होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द चैलेंजर केविन ओवेंस। गाइस आपको पता है कि गाइस रोमन रेंस हमको मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीमियम लाइव इवेंट में रसल करते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन गाइस तब भी हम लोग एक पॉसिबिलिटी लगता है कि अगर जैसे WWE एंड मोमेंट पे डिसाइड करती है कि उनको रोमन रेंस को ये लाइव इवेंट में रखना है तो वो पॉसिबली कौन स्टार हो सकता है। अगर मुझे लगता है गाइस ये स्टार हो सकते हैं हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, बिकॉज आपको पता है कि गाइस सॉरी गाइस हमारे केविन ओवेंस, क्योंकि गाइस जो केविन ओवेंस है गाइस वो कंपनी के वन ऑफ द बड़े स्टार है और मुझे लग रहा है कि गाइस केविन ओवेंस एक लौटे ऐसे स्टार है जो कि अभी फिलहाल कोई सीरियस स्टोरी लाइन में इन्वेस्टेड नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि गाइस अगर सर हमको ड्रू मैकइंटायर मुझे लग रहा वही नाम मेरे से बार बार निकल रहा है, तो गैस बंडा में इसका बात करते पॉसिबली वो बंडा हमको केविन ओवेंस होते हुए देख सकता है। लेकिन गैस हम बात करते हैं मैच होते हैं बिटवीन रोमन रेंस केविन किसके सबसे ज्यादा चांसेस बने रहे, गैस मुझे नहीं लगता कि गैस केविन ओवेंस रोमन रेंस को हराते हुए दिख रहा है। गाइस रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर नहीं हरा पाया, उनको ब्रॉक लेजनर नहीं हरा पाया, उनको गाइस जॉन सीना तक नहीं हरा पाया, तो गाइस केविन ओवेंस क्या चीज है। गाइस मैं केविन ओवेंस के अगेंस्ट कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बात ऐसी गाइस केविन ओवेंस इतने बड़े स्टार है नहीं जो कि रोमन रेंस को हरा दे, इसलिए गाइस मुझे नहीं लगता कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खुद केविन ओवेंस को रोमन रेंस के ऊपर पिक करेंगे। गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला कि रोमन रेंस अभी फिलहाल शेड्यूल नहीं है प्रीमियम लाइव में रह सकते, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड कर दिया रोमन रेंस को लाने के तो ऑब्वियसली कहते इसको भी उठा के डालेंगे। और गाइस आप भी थोड़ा दिमाग लगा के सोचो गाइस क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की इतनी तो बड़ी रेन है 800 दिन वाली, क्या वो ऐसे एक छोटे से प्रीमियम लाइव इवेंट में खत्म करेगी और वो भी बिना कोई स्टोरी लाइन के, नहीं गाइस वो सीधा केविन ओवेंस को विन देगी वो भी ऐसे लास्ट मोमेंट मैच में, गाइस चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और गाइस मैच के भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, तब भी गाइस अगर रोमन रेंस को प्रीमियम में रखना है तो यही उनका एक पॉसिबल मैच हो सकता है। इसलिए अगर सर हमको WWE के एक्सट्रीम रूल्स 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस मैच दिखता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस ही है जो केविन ओवेंस को हरा के उनकी सक्सेसफुली अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाला है। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।